अंकल हम कब तक पहुंच जाएंगे? जल्दी पहुंच जाएंगे। कौन से स्कूल में पढ़ते हो? वॉशिंगटन के स्कूल में 5वीं क्लास में पढ़ता है। इसे पढ़ा लिखा कर बड़ा आदमी बनाना है, यही हमारा सपना है। अभी तक आप लोगों ने ये काम छोड़ा नहीं? नहीं, छोड़ देंगे तो जी नहीं पाएंगे। कब तक इंसानों की जान के साथ खेलते रहोगे? शराफत के साथ जीने का मन नहीं करता है क्या? गाड़ी रोक रहे। ये खेत किसके हैं तुम्हें पता है? क्यों, ये सब हमारा है। झंझट नहीं चाहिए इसलिए तुम बाहर चले गए। तुम्हारी जमीन की देखभाल विश्वजीत कर रहा है, उसकी वजह से यहाँ कोई और खेती नहीं कर पा रहा है। ये जो खाली पड़ा है वो सिर्फ खेत नहीं है, गरीब का खाली पेट भी है। भगवान ने जन्म दिया, साथ में खाली पेट भी दिया। विश्वजीत इसी बात को हथियार बनाकर एक हाथ में खाना और दूसरे हाथ में हथियार देता है। खा नहीं सकता क्योंकि खून की बदबू आती है। तुम अगर चाहो तो उनकी मुसीबत दूर कर सकते हो, उनके हाथ से हथियार छीनकर हल दे सकते हो। अरे इसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ? इस जमीन को अगर सब गरीबों में बांट दो तो वो खेती कर सकते हैं। ये गरीब है, ये दे देंगे। दे देंगे डैडी, इसी के लिए तो हम यहाँ पर आए हैं। दे देंगे। मार डालूंगा, अगर कोई भी मेरे विरुद्ध गया ना तो मैं बोलूंगा नहीं, तलवार से काट कर फेंक दूंगा। ए सुनो मालिक, छोटा छोटा करके काट। हाँ। जुबान पर रखे तो शक्कर के जैसा घुल जाना चाहिए। ठीक है मालिक। अमेरिका के जैसे खाने वाले, तीखा थोड़ा कम होना चाहिए। कहाँ है वो? वो आए नहीं। क्यों? पापा आपने मेरा नाम दादाजी के नाम पे क्यों रखा? बेटा तुम्हारे दादा जिंदगी में कभी नहीं हारे, वो जिए भी विजेता की तरह और मरे भी विजेता की तरह, इसीलिए तुम्हारा नाम उनके नाम पर ही रखा है। जब भी किसी काम के लिए घर से निकलो तो अपने दादाजी का आशीर्वाद जरूर लेना, हमेशा कामयाब रहोगे। क्या जीजा, यहाँ छोड़कर आप वहाँ चले गए? मुझे लगा था कि अमेरिका से आप सीधा यहाँ आकर दावत खाकर जाओगे। कोई बात नहीं, जैसे ही आपकी शादी हुई आप गांव छोड़कर चले गए और अब जब आप आए हैं तो आप यहाँ नहीं हैं। फिर भी आपका खेत खलिहान जमीन जायदाद संपत्ति जो कुछ भी है। हाँ, मुझे सब कुछ पता चल गया है और मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। सीधे यहाँ जाइए। ये क्या रे, मुझे तो वीर प्रताप की बातें अच्छी नहीं लगी रे। हाँ मालिक, आपके पास खानदानी जितने भी खेत हैं, कल वो सब गरीबों में बांट देने वाले हैं। अगर ऐसा हुआ तो एक मुट्ठी मिट्टी भी आपके खानदान को नहीं मिलेगी। ओहो, मेरा बैंड बजाना चाहता है, उससे पहले मैं उसका ही बैंड बजा दूंगा। लेकिन क्यों? अरे वाह, भाई का प्यार बोल रहा है। हाँ? जब मेरे से तू शादी की थी उसी वक्त मैंने तुझसे कहा था कि सब भूल जा, याद नहीं है क्या? हाँ? अब कुछ बोलेगी तो जुबान काट दूंगा। छोटे, ये गांव तुम्हें पसंद आया कि नहीं? बहुत पसंद आया। हम लोग पसंद आए कि नहीं? वो तो बहुत पसंद आया। छोटे मालिक, एक बार जांग ठोक कर दिखाओ। वैसे नहीं छोटे मालिक, धरती हिलनी चाहिए। अपने गांव में कितने लोग हैं जिनके पास खेत नहीं है? 2000 रिश्तेदार हैं। तो सबको 2 एकड़ के हिसाब से खेत दे सकते हैं क्या? ठीक है ठीक है, आने वाली विजयदशमी के दिन रेवेन्यू डिपार्टमेंट को घर पे बुला लो। ये क्या है भाई? ये तलवार है, जैसे नारियल को छिलते हैं वैसे ही से सर काटते हैं। ये क्या है भाई?
इसे छोड़ दीजिए मालिक, फट जाएगा। नीचे रख दीजिए, नीचे रखिए। कुछ नहीं कुछ नहीं, मैंने ना माँ को उठाने के लिए लिया है। क्या कर रहा है? अरे फट जाएगा। क्या बात है मालिक? ये छोटे मालिक दो बम को लेकर अपने जेब में रख लिए। छोड़ो बेटे, बम के बारे में जानकर क्या करोगे? चलो ठीक है, चलो चलो। बस हो गया ना माँ, मुझे नहीं चाहिए। खा लो ना मेरा सोना बेटा, प्लीज, ये लास्ट है, खाओ खाओ। क्या है रे, ज्यादा पर निकल गए हैं? पैसा मिलते ही बदल गए क्या? आपके साथ रहेगा तो उसे कुछ भी मिलने वाला नहीं है भाई, उनको पता चल गया इसीलिए बदल गए। बुलाया क्या? प्यारी बहना, कैसी हो? नमस्ते भैया जी। नमस्ते जीजा जी। हाँ, नमस्ते नमस्ते। जो खाने के लिए भेजा था उसे खाए कि नहीं? नहीं अभी बाकी है। हाँ, आप खा लेना, लेकिन इस कमीने को मत देना, क्योंकि ये जहां खाते हैं वही छेद करते हैं। क्यों रे बदमाश, एयरपोर्ट से तुझे लेकर आने के लिए कहा था ना, तो रास्ते में तूने इनका कान भर दिया क्या? तू होता कौन है ये कहने वाला कि गांव वालों में जमीन बांट दो? ये है कौन देने वाला? विश्वजीत, जुबान संभाल कर बात कर। याद रखना, तुम्हारी जुबान ही तुम्हारी जान की दुश्मन बन सकती है। जीजा जी, अमेरिका का पानी पीकर भी आपको जमीन की भूख कम नहीं हुई क्या? तेरा बाप और तेरा दादा इस गांव के बहुत बड़े लोग थे, दान धर्म करके जीते थे वो, लेकिन उनके जाने के बाद अब यहाँ पर सब कुछ मैं हूँ। मुझसे बिना पूछे एक चींटी या मक्खी भी सांस नहीं ले सकती। दांत 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 मत चबा, मेरे सामने दांत चबाए तो निकाल कर हाथ में दे दूंगा। ए, 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 ए। सालों बाद तू यहाँ आया है, वो भी कुछ दिनों के लिए। चार दिन रुक, तुझे एक से बढ़कर एक पकवान में खिलाऊंगा, उसे अच्छी तरह खा और बिना कुछ सोचे अमेरिका वापस चला जा, नहीं तो तेरे पूरे परिवार के साथ जहाँ तू खड़ा है वही तुझे दफन कर दूंगा। ए, 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 आ जाओ बे, आ जाओ, जल्दी आओ जल्दी आओ, अंदर आओ। तलवारें भी उड़ रही हैं। अगर मैं अंदर गया तो मेरा सिर नहीं बचेगा। आप एक काम कीजिए, आप इसको लेकर यहाँ से निकल जाइए। मालकिन, आपको इस हालत में छोड़कर मुझे कुछ नहीं होगा। मेरी पति की जिंदगी में मेरा हिस्सा रहा है और उनके साथ रहना मेरा कर्तव्य है, इसे बचाना आपकी जिम्मेदारी है। Hey, hey, hey.
तो आ जाओ। तो खानदान का नाम रोशन करेगा। ज़्यादा दिमाग वाला भाई, बहुत जोर से लगी है भाई। ए, यूं ही जरा छू कर दिखा। अगर मैंने तुझे सच में मारा होता तो तेरा बोलना, सांस लेना सब बंद हो जाता। अच्छा, तेरी शादी हुई है? नहीं, अब तो तू शादी करने के लायक भी नहीं बचा। ये क्या हो रहा है, गुंडागर्दी कर रहे हो? बाप, तू लड़की का बाप। ओ, चाचा जी माफ करिएगा, वैसे उम्र में तो मैं आपसे छोटा हूँ, लेकिन दिमाग में छोड़िए, जाने दीजिए। अब अगर आपकी बेटी की जगह मेरी बहन होती तो भी मैं ऐसा ही करता, सच कह रहा हूं मैं। चाचा जी, आपकी बेटी ने जिस लड़के को पसंद किया है, बहुत अच्छा है वो। हाँ, आज शाम को एक पार्टी है, हो सके तो उसमें शामिल होके उन दोनों को आशीर्वाद दीजिएगा। अरे डन 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 डन, एकदम मारते हैं क्या? अरे अभी तो मार के आई। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। एक्सक्यूज मी गर्ल्स। हाँ। क्या पढ़ रही हो? आईटी सर। एक प्रिंसिपल पहाड़ के जैसा आ रहा है, तुम लोगों को गुड मॉर्निंग बोलने में प्रॉब्लम है। इस साल कंप्यूटर में तुम लोग फेल। सॉरी सर। गुड मॉर्निंग सर। इस बार फिर पास। क्या सर, आप भी एक गुड मॉर्निंग भी आप मांग मांग कर ले रहे हैं, मुझे बहुत बुरा लग रहा है। छी, बात को तुम घुमाओ मत, सुबह से तू मेरे साथ है ना, गुड मॉर्निंग तो मुझे बोलेगा, मैं ऐसा सोच रहा था, लेकिन तूने भी मुझे गुड मॉर्निंग नहीं बोला। गुड मॉर्निंग सर। आए शशि, चार कप चाय। ए शशि, क्या कोई चाय पीता है क्या? चार दूध। दूध में थोड़ा शक्कर ज्यादा डाल देना। शक्कर क्यों? शशि ने उंगली घुमा दी तो भी हो जाएगा। मतलब शशि की उंगली में शुगर फैक्ट्री है क्या? हेलो, ले लो, ये गीता के लिए। तुम और ये चाय वाली।
वाली थप्पड़ मारती तो मजा नहीं आता। चुप रहना। एक महीने का बिल तुम लोगों ने भरा नहीं है, पैसा क्या तुम्हारा बाप देगा? अरे मेरे बाप को ऊपर गए हुए बहुत दिन हो गए हैं, इसका बाप अभी तक जिंदा है, वेटिंग फॉर कॉल। बिना मतलब बाप का नाम मतलब। अपना मुंह बंद कर, इससे पहले लिया हुआ दूध का पैसा क्लियर करो, उसके बाद ही मैं दूध दूंगी। शक्ल तो देखो उठा के। कुछ किया क्या? कुछ किया थोड़ी ना। आजकल लड़कियों के कपड़े देखकर लगता है शर्म आया तो इस दुनिया से खत्म ही हो गई है यार। अबे मैं तो चाहता हूँ इससे भी छोटे कपड़े हो जाए। मुझे तो लगता है ये लोग रोड पर ही फैशन शो चालू कर दिए। 1984 में जिसका भी फिगर ऐसा होता था वो इतने लंबे कपड़े नहीं पहनता था, छोटे छोटे कपड़े पहनता था। 1994 के बाद से कपड़े थोड़े से ऊपर हो गए और वो जांघ के ऊपर आ गए, इससे लोगों का भला होने लगा। और जरा आज के जमाने में देखो, धीरे धीरे करके कपड़े ऊपर से ऊपर होते जा रहे हैं। अगर ऐसे ही चलता रहा तो एक दिन देखना। अरे रे रे रे, सोच कर ही बुरा लगता है यार, कोई ना कोई बंदोबस्त तो करना ही पड़ेगा। क्या बवाल है इसमें? हमारे इस देवियों के देश में लड़कियां देखो छोटे छोटे कपड़े पहनकर घूम रही हैं। देखिए देखिए, क्या ये बवाल नहीं है? इसमें आपको गलत नजर नहीं आता? ये लड़कियां हैं तो हम लड़के हैं सर। आखिर उनके पास ऐसा क्या है जो हमारे पास नहीं है? उनके पास जो है वो दिखा रही है, हमारे पास जो है हम दिखा रहे हैं। मूर्खों, वो लड़कियां हैं, वो कुछ भी पहन सकती है, लड़कों के लिए एक रूल्स बना हुआ है। मर्दों को कोई आजादी नहीं है क्या? नहीं है। तो कौन सी आजादी से आप आधा ट्राउजर पहनते हैं? ये कौन सी आजादी है कि सलमान खान बिना शर्ट के घूमता है? किस आजादी के तहत शाहरुख खान फटी जींस पहनता है, आमिर खान लड़की को चूमता है? बताइए सर, बताइए। और आपको क्या परेशानी है सर? हम लोग फ्यूचर के बारे में सोच रहे हैं और हम लोअर क्लास के हैं, हमें डिस्टर्ब मत कीजिए। आपको क्या चाहिए? गुड मॉर्निंग ही ना। आप कहें तो आपको 500 गुड मॉर्निंग फ्री में कह सकते हैं, पर हमें डिस्टर्ब मत कीजिए। कानून को हाथ में लेना सिर्फ आपको ही नहीं आता है, मुझे भी आता है। रघु सर, तेरा हाथ खाली है ना? बिल्कुल सर। बाल को पकड़। अभी पकड़ता हूँ। सॉरी सर, गलती से मिस्टेक हो गई। सर क्या हुआ सर? आप ऊपर से तो बहुत बूढ़े नजर आ रहे हैं। मेरे टॉप को तू मत देख, उन लोगों के बॉटम को देख। क्या कहा? नीचे। क्या तुम लोग अफ्रीकन डांस कर रहे हो? बंद करो ना। बंद करो ना। बंद करो। अबे तुम लोग को शर्म नहीं आती क्या? सब देख रहे हैं। बंद कर। पहले इनको बंद करवाओ, उसके बाद हम बंद करेंगे। ओके। क्या कहा? सॉरी दोस्तों, लड़कों और प्रिंसिपल के सामने अगर तुम्हें थप्पड़ नहीं मारता तो तुम्हारी बेइज्जती हो जाती, इसलिए मैंने तुम्हें मारा। सॉरी। अरे छोड़ यार, जिंदगी में पहली बार किसी मर्द के हाथों से थप्पड़। इसने ये सब पूछा क्या? अरे यार मैं तो ऐसे ही पेल रहा था। अरे मैंने तो अंदाज में ठोक दिया। झगड़ा क्यों कर रहे हो? कल तूने भी तो शीला के हाथ से चप्पल खाई थी, मैंने उसके बारे में कुछ कहा क्या? यार ये इतनी सुंदर बटरफ्लाई कौन है? न्यू एडमिशन है क्या? हाँ न्यू एडमिशन ही है, लेकिन जैसा तुम सोच रहे हो वैसी बटरफ्लाई नहीं है, डेंजर प्लेयर है। डेंजर? वो लाइन मारने वाले को कैसे कट करती पता है? कहाँ? वो देखो। क्यों रे, ये क्या है? लव लेटर सर। मैं तो लीव लेटर समझा। वो तो समझने के लिए ब्राइट में लिखा है ना सर। चप्पल से मारूंगा। पिछले साल प्रैक्टिकल में फेल, इस साल फिजिक्स में फेल, बंदर जैसा चेहरा तेरा लाभ करेगा। हा? मेरे चेहरे के लिए गलत मत बोलिए सर, मेरा चेहरा शाहरुख खान के जैसा है। तो बकवास बंद कर कालिया। सुन, अगर तेरी बहन को कोई ये लव लेटर देगा तो तू चुप रहेगा? सर मैंने आज तक कभी किसी को भी नहीं छोड़ा है, तो फिर इसको कैसे छोड़ दूं? Shut up! You are suspended. Get out! तो ये बात है, जरा मैं भी देखूं तो। हाँ, अरे बाप रे, ये तो सच में बहुत डेंजर है। हेलो, एक जवान लड़का वॉलीबॉल खेल रहा है और आप बिना देखे जा रही हैं। ए,
रैगिंग कर रहा है क्या? आप इसे रैगिंग कह रही हैं? कुछ भी बोलती हैं। मैं कुछ कहना चाहता हूँ आपसे। क्या कहना है? मैथ्स पे बात कर सकता हूँ, हिस्ट्री पे बात कर सकता हूँ, साइंस पे बात कर सकता हूँ, रोमांस पे बात कर सकता हूँ। रोमांस? रोमांस रोमांस मतलब? एक लड़का एक लड़की के बीच में जो होता है वही तो रोमांस होता है ना। क्यों, आपने कभी नहीं किया क्या? क्या लाइफ है आपकी? एक हीरोइन की तरह तो आपकी ब्यूटी है, साइंटिस्टों के द्वारा बनाया हुआ न्यूक्लियर बॉम्ब लगती हो आप। ऐसा लग रहा है जैसे किसी गिफ्ट बॉक्स में पैक होके आ रही हो। बटर स्कॉच की तरह आपका बदन। काम बन गया बे, काम बन गया। ए, ज़्यादा हीरो मत बन, देख लूंगी तुझे। अरे बाप रे, देखने को कह रही है, मैं दिखाने को तैयार हूँ मैडम। अभी तो बाउंड्री है। हाँ? उसका बैट स्ट्रॉन्ग है, सिक्सर। काम बन गया ना? कैसा लगा? अरे रे 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 रे, तुम्हें देखकर लड़के आइसक्रीम की तरह पिघल जाती है। क्या जादू है तुझमें यार? ये जादू सबके पास नहीं होता। जादू तो अब चलेगा। ये क्या लिखा है? मुझे नहीं पता है सर, आप ही पढ़ दीजिए ना सर। अनपढ़ कहीं का। ये एक प्रेम पत्र है, इसमें लिखा है कि ये तुमसे प्यार नहीं करती। लेकिन तूने ऐसा क्यों लिखा है? डर सर, अगर बोल दिया तो इससे प्यार हो जाएगा सर। देखिए सर, देखिए सर, कितनी खूबसूरत है ये। कहीं डर के मारे मैं चकरा के गिर ना जाऊं सर। नहीं, मैं नहीं देख सकता, नहीं देख सकता। ए, ये क्या, खूबसूरत हो तो प्यार हो जाएगा? क्यों नहीं, इतनी खूबसूरत लड़की को देख के किसी को भी प्यार हो सकता है, लेकिन मुझे नहीं हुआ। तुम्हें इतना खूबसूरत होने को कहा किसने? Shut up, behave yourself. तुम्हारे मन में चल क्या रहा है? तुम मुझसे ऐसा बोलोगे तो मैं तुमसे प्यार करने लगूंगी। Stop it! सर, ये कैसा अन्याय है? मैं कसम खा के बोलता हूँ, मैं इस लड़की से प्यार नहीं करता। देखो, तुम चाहे मुझे कितनी भी गालियां दो, लेकिन मैं तुमसे प्यार नहीं करता, नहीं करता, नहीं करता। सर, इतनी खूबसूरत लड़की को आपने कॉलेज में एडमिशन कैसे दिया? सब लड़कों को ये लड़की पागल करके रहेगी। आप तो मेरे ऊपर चढ़ेगा क्या? नीचे उतर। अरे नहीं सर, आप भी नहीं चढ़ूंगा। यू आर नॉटी। हाँ, क्या कमाल की लड़की है ये। मैं तुमसे प्यार नहीं करता। सर, मैं इस लड़की से प्यार नहीं करता हूँ। एक लुक से ही जान ले लेती है ये लड़की। आप चुपचाप खड़े क्यों है? कुछ एक्शन क्यों नहीं लेते? कैसे एक्शन लू? वो कह रहा है कि तुम बहुत खूबसूरत हो। खूबसूरत लोग ऐसा नहीं कहते। वो तुमको प्यार करता है कि नहीं करता है, ये मेरी समझ में नहीं आ रहा है। कुछ तुम्हारी समझ में आया हो तो मुझे एक्सप्लेन करो, मैं उसके खिलाफ एक्शन लूंगा। तुम खुश हो ना? ओके नंदू, देखो आज तुम मुझे गुड मॉर्निंग बोलना भूल गई, लेकिन मैं नहीं भूला। गुड मॉर्निंग बोलो। गुड मॉर्निंग। एक्सेप्टेड। गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग, मॉर्निंग। चाचा जी, चाचा जी। बोलो जय। चाचा जी, आप काम कर रहे? लड़के नहीं है क्या? काम करने से शरीर ठीक रहता है, आदमी तंदुरुस्त रहता है। ऐसा क्या? तो फिर आज से मैं भी कोई काम शुरू कर देता हूँ, बदन में ग्रीस लगेगी तो मैं भी तंदुरुस्त हो जाऊंगा। बेटा, काम करने में बुराई नहीं है, पर अभी तेरी पढ़ने लिखने की उम्र है, उसके बाद काम करना। आपकी गाड़ी रेडी है, 750 रुपए दे दीजिए। क्या बोला? 750? मुझे पैसे देने की आदत नहीं है। फोकट में काम करने की मेरी आदत नहीं है। अरे, इतना गुस्सा करना ठीक नहीं है। और नहीं तो क्या, उसने आपकी शर्ट को हाथ कैसे लगाया? बेटा, अगर ये खतरनाक आदमी हुआ तो। अरे, अगर ये ऐसा आदमी होता तो इसके साथ दो चार लोग होते ना। चलिए ना, भूख लगी है, खाना खाते हैं। हाँ, चलो। एडवोकेट कुणाल हेयर। अरे भाई, केस के बारे में घर में बात नहीं करनी चाहिए, कोर्ट में बात करते हैं ना। ओके, सॉरी, अब फोन रखता हूँ। डर सर, डर की वजह से प्यार करते हैं सर। क्या कमाल लग रही हो तुम, लेकिन एक बात जान लो, मैं तुमसे प्यार नहीं करता। इडियट, कितनी चर्बी है तुझमें। चलो उठ।
गेट आउट। किसे बाहर जाने को कह रही हो? आई एम सॉरी। क्या हो गया इसे? क्या हुआ उसे? जाके देखो उसे। मैं तुमसे प्यार नहीं करता। तुम मुझे डिस्टर्ब कर रहे हो, मुझे टॉर्चर कर रहे हो। तेरी तो मैं क्यों? चिल्लाना मत, मैं तुमसे कुछ बात करना चाहता हूँ। क्या बोलो? सुबह प्रिंसिपल ऑफिस में मैंने कहा था मैं तुम्हें प्यार नहीं करता। हाँ कहा था तुमने। वो मैं झूठ बोल रहा था। मुझे तो पता ही था, फर्स्ट टाइम जब तुमने मुझे देखा था तब से लाइन मारे हो, पता था मुझे। तुम आई लव यू बोलते तब भी मुझे फर्क नहीं पड़ता। उस प्रिंसिपल के सामने तुम बहुत नाटक कर रहे थे ना, उसी का गुस्सा था। हाँ? ऐसा क्या? What? गुस्से में तो तुम और भी खूबसूरत लगती हो। Yes, I love you. खूबसूरत हो तो प्यार करोगे क्या? ऐश्वर्या राय मुझसे भी खूबसूरत है। उससे भी प्यार करते हो? अरे किस गधे ने कहा कि ऐश्वर्या राय तुमसे ज्यादा खूबसूरत है? कौन है वो झूठा इंसान? कूल, प्लीज प्लीज। अच्छा सुनो, ऐश्वर्या राय के बारे में मुझसे बात कर रही हूँ? अरे लाइफ में मुझसे ज्यादा क्लोज उसके साथ कोई रहा है क्या? सच बताऊं, तुम उससे भी ज्यादा खूबसूरत हो। सही कहा तुमने। तो तुम प्यार कब करोगे? छोड़ूंगी नहीं तुझे, देख तेरा क्या करती हूँ। चल निकल यहाँ से, मैंने कहा निकल। ये सब क्या है दीदी, किसे छोड़ोगी नहीं? उसी लड़के को, वो जय। कॉलेज में कह रहा था प्यार नहीं करता, अभी आकर रोमांस कर रहा था। जय? और यहाँ आया था दीवार फांद कर। सपना देखा क्या? मौन है बे, उधर मत देखना। वो लोग आपको इग्नोर कर रहे हैं सर, वो पक्का आपको नहीं बोलेंगे। चलिए सर। मैं इसके बाप के जमीन में से हिस्सा नहीं मांग रहा, सिर्फ एक गुड मॉर्निंग ही तो चाहता हूँ। जब तक ये गुड मॉर्निंग नहीं बोलेंगे मैं यहाँ से नहीं हिलूंगा। खास रहा है, उसकी तरफ बिल्कुल ध्यान मत देना। प्रिंसिपल सर इतना खास क्यों रहे, इनको कोई दवाई दो ना। ओह गुड मॉर्निंग सर। इसे कहते हैं रिस्पेक्ट। एक घंटे से मैं जानवरों की तरह यहाँ खड़ा हूँ और ये मूर्ख मुझे गुड मॉर्निंग नहीं बोल रहे हैं। क्यों सर, एक घंटे से जानवरों की तरह इंतजार कर रहे हैं, तुमने इन्हें गुड मॉर्निंग नहीं बोला? जानवर को गुड मॉर्निंग नहीं बोलते? मैं तुम लोगों को जानवर दिखाई दे रहा हूँ। ये चुप। प्रिंसिपल को गुड मॉर्निंग बोलना हम सबका धर्म है, तुम लोगों ने वो किया नहीं, पता है तुम्हें क्या सजा मिलेगी? अब 300 बार गुड मॉर्निंग बोलो। 300 बार गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। देखा ना सर, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। बस बस, तुम लोग बोलते रहो। सर देखिए कितनी अच्छी तरह से गुड मॉर्निंग बोल रहे हैं। अगर ये गुड मॉर्निंग बोल रहे हैं तो आप भी इनका जवाब दीजिए। अब ये भी बोलेंगे और आप भी बोलेंगे। चलो बच्चों शुरू हो जाओ। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। खत्म होने के बाद क्लास में आ जाना, मैं वहीं पे वेट करूंगा। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। 300 बार गुड मॉर्निंग लेकर हाथों में मोच आ गई। अबे गधे का नौकर, तूने गुड मॉर्निंग बोला? गुड मॉर्निंग। सॉरी सर। अबे मूर्खो, तुम्हारे सॉरी का मैं अचार डालूं? गुड मॉर्निंग बोलो। गुड मॉर्निंग सर। चलो जाओ। जवाब में आपने नहीं कहा। तुम लोग सर, ये क्या हुआ आपके हाथ को? वो तो अपना गठर बंदी रख, मैं बात कर रहा हूँ। जा यहाँ से। जाता हूँ। डरो मत, एक छोटा सा एक्सीडेंट था। आप भी मुझे उल्लू मत बनाइए। मैं आपके लिए एक जादुई चीज लेकर आई हूँ। ये देखिए, शहद में भीगा हुआ आंवला। अगर इसे आपने एक बार खाया ना, तो आपके अंदर घोड़े जैसी शक्ति आएगी। ये रहा वो तूफानी आंवला। क्या हुआ? जब से आई हो तब से रो रही हो, बताओ तो सही बात क्या है? ऐसे रोने से थोड़ी नहीं कुछ होगा। मुझे उससे डर लग रहा है। कौन था?
कौन है बेबो? ये यार, ये क्यों जी? मेरे आदमी को चप्पल से मारोगे ऐसा बोला? उसने मुझे आई लव यू क्यों कहा? ए, तुझे आई लव यू नहीं कहेगा तो क्या ऋतिक रोशन को जाकर कहेगा? मुझे क्या तैली है, मैं अपने तैले पर फेले लवली लगाता हूँ। दांत तोड़ दूंगी तेरे। मेरे भाई बोल आई लव यू। आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू। बहुत चर्बी चढ़ गई है तुझे, तू अभी मेरे बारे में जानती नहीं है। तेरी सारी खूबसूरती निकाल दूंगा, कॉलेज के गेट के अंदर घुसने भी नहीं दूंगा। अरे देखना यार, कुखवार शेरनी के चेहरे पर तिल है। अरे वो तो झांसी की रानी है, उसके सामने कोई टिकेगा क्या? कॉलेज के लड़के मस्ती मजाक करते ही रहते हैं, 50 साल की हो जाओगी तब थोड़ी ना ऐसे ड्रेस पहनोगी, और ना ही तुम्हें कोई ऐसे बोलेगा। नंदिनी उधर देखो, वो लोग हमेशा आपस में लड़ते झगड़ते रहते हैं, उनकी तरफ कोई भी लड़की देखती है क्या? ये कैसी बातें कर रहा है? ये टैक्सी में छोटे छोटे कपड़े पहनकर बैठेंगी तो हम लोग कैसे चुप रह सकते हैं बताओ? देखा, लड़कियों के साथ जो भी गलत होता है ना, उसकी वजह खुद लड़कियां होती हैं। चलो तुम क्लास में जाओ, जाओ। वो लड़के किस कॉलेज के थे? कौन है यार, नया लग रहा है। इसे तो मैं अभी बना। नहीं, तुम सब में से विलेन कौन है? मैं हूँ बे। भैया नमस्ते। भैया बहुत बढ़िया, इज्जत दे रहे हो। बात यह है कि बड़ों को इज्जत देना हमारा खानदानी रिवाज है, लेकिन आपने बहुत गलत किया। वैसे मैंने क्या कर दिया? आप लोगों में से हमारे कॉलेज की लड़की की बेइज्जती किसने की? मैंने की। भी? मैंने। बड़े भैया। हाँ। थैंक यू। हाँ। भैया। भैया नमस्ते। भैया आपने उस लड़की के साथ बहुत गलत किया। तो मैं क्या करूं? तो चल के उसे सॉरी बोल दीजिए। हम सॉरी बोलेंगे। भैया अरे रुकिए तो सही, मैंने हाथ लगा रहा है मेरे ऊपर, बताओ तुझे मुझे क्या समझा तूने? ध्यान से सुन, हम जट पंजाबी पंगा लेने वाले को ऊपर भेजते हैं, 56 इंच का सीना, 2.5 किलो का हाथ। क्या कर रहा है? नहीं भाई, वही भाई ने रोक लिया इसलिए छोड़ दिया तुझे, नहीं तो तेरी तो मैं ऐसी जैसी कर देता। जानता नहीं है तू मैनू पंगा लेना आया है? छोड़िए ना भैया, छोटे भाई है इसीलिए बहुत चिल्ला रहे, आप चल के सॉरी बोल दीजिए ना उसे। तेरी क्या बोला? मैंने कहा चल के सॉरी बोल। सुनाई नहीं दिया, फिर से बोल। चल के उसे सॉरी बोल दीजिए ना। मुझे सॉरी बोलना है? अरे चलिए ना भैया। क्या बोल रहा है? ऐसे बदतमीजी मत कीजिए। क्या कहा? बदतमीजी? जा यहाँ से। और क्या रहा बे? गलती कर दी तूने, बहुत बड़ी गलती कर दी। इसका पावर जाने बगैर तूने इसे बाहर निकाल दिया, आज तो तू गया बेटे। कर दी।
पीछे रह। तू जानता नहीं मैं चीज क्या हूँ, मेरी पहुँच बहुत ऊपर तक है। देख मैं पहले बता देता हूँ, छोड़ूंगा नहीं तुझे। अब मेरी माँ, अब्बा, वाहेगुरु। सेंटीमीटर का सीना 250 ग्राम का हाथ है मेरा। मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो, मेरा दिमाग खराब हो गया था। आज के बाद अगर तुम लोग भूल के भी मेरे कॉलेज की तरफ आए ना तो ये चाकू सही जगह पे जाएगी। एक्सक्यूज मी सर, जरा 5 मिनट रुकिएगा। नंदनी भैया, आपका नाम क्या है? मोहन। मेरा नाम मोहन है। मोहन है इनका नाम? मोहन है मेरा नाम। आज के बाद सभी लड़कियों को मैं अपनी माँ जैसी अपनी बहन जैसी अपनी छोटी बहन जैसी मानूंगा। दीर्घायुष्मान भव। इसने तुम्हारी बेइज्जती की थी ना, इसलिए मैंने ये सोचा कि मैं इसे यहाँ खींच के लाऊं, बदला ले लो। अच्छा भैया, मैंने जितना मारा उससे ज्यादा जोर से लगी ना तुम्हें? देखो भैया, कॉलेज में रैगिंग इसलिए होती है जिससे हम एक दूसरे को जान सके, लेकिन लिमिटेड होनी चाहिए। श्रवण आ गया। भैया को ऑटो में बिठा के उनके कॉलेज तक ड्रॉप करके। ऑटो का पैसा भैया ही देंगे ना? अच्छा, भैया देंगे, वो भी यही देंगे। कोई बात, चलो। नंदिनी, इस दुनिया में सबकी कीमत एक जैसी नहीं होती और कुछ की कीमत चुकती नहीं है, और वो होती है आंसुओं की कीमत। तुम आंसू बहारी थी, वो मुझे पसंद नहीं आया। तुम्हारे जगह अगर कोई और लड़की होती तो भी मैं यही करता। लड़कियां रोती नहीं अच्छी लगती। ए, मुझे ये टचिंग वचिंग नहीं पसंद ना। अरे लड़कों को तो टचिंग से एकदम दूर रहना चाहिए, और केयरफुल भी। तुम यहां टच करोगी, यहां डिस्टर्ब होगा, फिर न जाने क्या क्या होगा। मैटर ओवर। नहीं चाहिए मैडम जी, ये खेल यही खत्म करते हैं।
कैसे देखती है यार ये, एक नजर में घायल कर देती है। इतनी दूर से भी करंट मार रही है, ऐसे मत देखो, ऐसे मत देखो मुझे। जय, इसकी खूबसूरती से पिघलना नहीं तू। वाह कितनी खूबसूरत है ये मम्मी। मैं तुमसे प्यार नहीं करता। बनाना चूना मत लगाना। हाय मेरे हाथ का पान खाओगी क्या? शक्ल देखिए अपनी, भाग यहाँ से, जल्दी दो भैया। हेलो पान खाओगी क्या? तेरा दिमाग खराब है क्या? कॉलेज की लड़कियों के साथ बदतमीजी करते हो? नॉनसेंस, इडियट, पागल। देखो तो लफंगे लड़के हैं, सिर्फ परेशान करने के लिए आते हैं कॉलेज में। तुम्हें मजनू की याद आ रही है क्या? भूलो मत, बिल्ली नहीं शेर हो। उसे छोड़ो शोभा, मेरे साथ पान खाओ। अरे ब्लड, माय ओन ब्लड। अबे पान खाने से पहले मुंह लाल हो गया। मुंह लाल होने से मतलब है ना। उधर देख, गुड मॉर्निंग आ रहे। ए देख, जैसे गणपति का विसर्जन किया जाता है ना, वैसे ही इसका भी कर देते हैं। पानी गंदा होता है यार। सर, सर, गुड मॉर्निंग सर। इवनिंग 4 o'clock। गुड इवनिंग सर। यहाँ क्या हो रहा? एग्जाम तो पास हो गए, अब सॉफ्टवेयर या हार्डवेयर क्या करना है इस पे डिस्कस कर रहे थे सर। यहाँ बस स्टॉप पे, चाहे कहीं भी हो सर, पढ़ाई तो कर सकते हैं। कितनी बदबू आ रही है इससे। सर ऐसे मामलों में हम सब बराबर है सर। चाहिए हाँ, सर चाहिए। रील वाली शकीला रियल में आ गई है सर। बुला रही है सर, चाहिए ना सर। अरे सर ऐसी औरतों के लिए तो सब मरते हैं। चाहिए सर, चाहिए सर, चाहिए। मेरे मूर्खों ये बात किसी और को मत बताना। हाँ दीवार पे भी नहीं लिखेंगे। हाँ जाइए सर। नॉट जाइए 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 सर। अब मेरी समझ में आया, ये इतना ताकतवर कैसे है? ए अगर ये सांभर मैं रोज खाऊं ना तो एक बात तो पक्की है, मैं खूबसूरत हो जाऊंगा। नजर मत लगा। ये क्या है भाई, बातें तो बड़ी बड़ी करता है। देखो तो इतना प्यारा बच्चा बन गया है कि मामा के हाथों से खाना खा रहा है। बचपन में लोग कहानियां सुन के खाना खाते हैं, लेकिन मैं अपने चाचा जी का चेहरा देख के, ये मेरा दायां हाथ नहीं है, ये है। अगर ये हाथ मुझे खाना नहीं खिलाता तो मेरी भूख ही नहीं मिटती। ये पागलों की तरह हंस क्यों रहा है? अरे हंस क्यों रहा है भाई, बताओ तो। अरे वो कहा ना, पहले बात बता, बता वरना दांत तोड़ दूंगा तेरे। हंसना बंद कर, बता बात क्या है। हाँ बताऊंगा। बताना। हाँ हाँ बताऊंगा। बता बात क्या है। हाँ बताऊंगा। मुंह तोड़ू क्या तेरा? अरे क्या कर रहा है यार तू, बताना।
अपना जो प्रिंसिपल है ना। अब ये किस लिए? जल्दी से अपना शर्ट निकालो। पैंट भी उतारो ना। कोई बात नहीं, पता है मुझे हॉल बेडरूम एक जैसे ही लगते हैं। आप बनियान उतार लीजिए, मैं चेंज करके आती हूँ। इस गेंदे का इतना बड़ा पेट, व्हाट अ सेक्सी सेक्सी बॉडी। डिंग 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 डिंग। फालतू चीजें खाओगे तो मेरे जैसी मोटी हो जाओगे, समझाया था ना? अभी अंकल को ही देख लो, फालतू चीजें खा के गुब्बारे बन गए हैं। तुम्हें दिखाने के लिए इन्हें लाई हूँ। सुबह सुबह उठा करो, एक्सरसाइज किया करो, बूस्ट पियोगे तो ताकत बनी रहेगी। सही में आ रही है माला ना ही नहीं है क्या? अरे देख के चलो ना तुम लोग। बूस्ट आ रहा है बे। ए ए ए ए ये झगड़ा क्यों कर रहे हो? काहे ने डेली बूस्ट लिया करो? एक बार समझाने से कोई बात हमारी समझ में नहीं आती है। प्रिंसिपल साहब आप ही बताइए ना सर, बूस्ट से शरीर को एनर्जी मिलती है कि नहीं? सर बूस्ट पी के कितना स्ट्रांग हूं। बूस्ट इज द सीक्रेट ऑफ माय एनर्जी। हाय एनर्जी। और सुनना, अगर कोई आंटी अपने हाथ से बना कर दे तो फिर एनर्जी एनर्जी। अरे तुम लोग अभी कुछ नहीं जानते, बाद में प्रिंसिपल साहब से पूछेंगे बूस्ट कैसे पीते हैं। हाँ भाई हमें भी जानना है सर, वो क्या है बूस्ट इज माय सीक्रेट एनर्जी? अबे टीवी नहीं देखता क्या? कपिल देव, सचिन तेंदुलकर वो पीते हैं। ये सब बड़े लोगों का काम है, तेरी समझ में नहीं आएगा, जा अपना काम कर। बूस्ट इज माय अरे बाप रे, इसको भी अभी ही आना आ रहा है। आज मैं उससे बात नहीं करूंगी। नंदनी, हाय। खूबसूरत लड़की सामने खड़ी है और आप बात नहीं कर रहे? लेकिन तुम भी तो मुझसे बात नहीं करना चाहती थी, है ना? आपको कैसे पता? हाँ, लड़कियों के मन में जो होता है आँखों से पता चल जाता है। तो फिर आपको सब पता चल गया क्या? मैं सब कुछ जानता हूँ। फिर भी बिना कुछ बोले जा रहे थे? क्या कहना है? कहने को तो बहुत कुछ कह सकते हैं, साइंस के बारे में, मैथ्स के बारे में, फिजिक्स के बारे में, केमिस्ट्री के बारे में, रोमांस के बारे में। रोमांस के बारे में? रोमांस, एक लड़की एक लड़का और वो दोनों। मेरा डायलॉग तुम मुझे पे मार रही हो, कोई नया ट्राई करो। वैसे यहाँ किसी दूसरे से मत कहना ये, सब मेरे जैसे नहीं होते। मैं तुमसे प्यार नहीं करता। नंदिनी, मैं तुम्हारी जैक के साथ सेटिंग करवा दूंगा, मुझे ये कार गिफ्ट कर देना। नहीं ही खरीद लेते हैं, सेकंड हैंड के बारे में क्या सोच रहे हो? मुझे कोई भी चलेगी। इसे रिपेयर करके जल्दी से डिलीवरी कर दो। नमस्ते, मैंने बताया था ना ये जैक के चाचा हैं। नमस्ते, कौन है ये लड़की? ये नंदिनी है, हमारी क्लासमेट है। शर्मा रहे हो? शादी कब है? आप वहाँ बोलेंगे तो कभी भी कर सकते हैं आप। तुम्हारी शादी के लिए मैं क्यों वहाँ बोलूँ? अरे नहीं, इसके साथ इतना बुरा हूँ क्या? मैं जय को बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ। प्यार एक पवित्र शब्द है, वो देवी के चरणों में चढ़े फूल जैसा होता है। मेरे दिल में जो प्यार है वो अब तक उन्हें भी नहीं पता। मेरा बच्चा जय मंदिर में रखी मूर्ति की तरह पवित्र है, वो तुम्हें इतनी जल्दी नहीं मिलेगा। तुम कोशिश कर लो, मैं बीच में नहीं आऊंगा।
नहीं करती। अकाउंट में नहीं मांग रहा हूँ, सेटलमेंट कर रहा हूँ। पैसा लेकर आए हो? हाँ। मजा आने वाला है। आने दो। ऐसी फटी हुई नोट देकर रॉब दिखा रहे हो? इसके अंदर से देखे तो पूरा इंडिया दिख रहा है। इस तरफ से देखो तो पूरा हिमालय नजर आता है। नंदिनी तुम कब आई? हाँ बस अभी आई। अच्छा यहाँ आप ही खाना बनाते हैं, कोई रसोईया नहीं है क्या? hey, रसोई में बनने वाले खाने में सिर्फ खाना होता है, लेकिन मेरे चाचा जी जो बनाते हैं उसमें प्यार होता है। पोस्टमैन। कहाँ से आए चाचा जी? वहीं से। अब अच्छे हैं ना मालिक? मालिक छोटे मालिक अच्छे हैं क्या? जय जय बाबा। आप कैसे हैं? आपको देखकर हमें बहुत खुशी हुई मालिक। मालिक सच कह रहा हूँ मालिक, आपको देखकर हमें बहुत खुशी हुई। आपको पता है इतने सालों से हम लोग जेल में क्यों हैं? अरे नहीं रे, आप चुप रहिए, आज हमें सच पता नहीं होगा। अरे नहीं रे, बीच में बताइए, ये बड़े मालिक की कसम है। बड़े मालिक और हमारी मालकिन का कैसे कत्ल किया पता है? हमारे आंखों के सामने कैसे काटा पता है? सारे पेपर इसे दे, जीजा उस पर साइन कर दे। अगर तूने मेरी बात मान ली तो यहाँ जो घायल पड़े हैं उन्हें मैं हॉस्पिटल पहुंचा दूंगा, और अगर तूने मना किया तो सब मर जाएंगे। देख जिंदा है क्या? जय शांत हो। इतने दिनों तक बताया क्यों नहीं आपने? बदला लेना है, उसके घर में उसे घुस के मारूंगा। आपने क्यों नहीं बताया? बोलिए, मुझे बताया क्यों नहीं आपने? जय नहीं, जय
इतने सालों तक इसलिए इंतजार नहीं किया मैंने, नहीं उसे बताना है। तुम्हारे पिता की इच्छा अब तुम पूरी करोगे। पांडवों ने वनवास स्वीकार किया पर कौरव लड़ने के लिए तैयार थे। परशुराम भी उनके जैसे थे, कृष्ण भी अर्जुन के साथ खड़े थे। कुरुक्षेत्र की लड़ाई धर्म के लिए हुई थी, हमारी लड़ाई भी धर्म के लिए ही है। उसके लिए क्रोध नहीं युक्ति चाहिए, युक्ति। उस कुरुक्षेत्र में कब जाना है ये तुम्हें मैं बताऊंगा, तुम्हें बस हौसला रखना है। तुमने अगर गुस्सा किया तो सब बिगड़ जाएगा, तुम्हें मेरी कसम। छोटे मालिक एक बार जान होके दिखाइए ना। नहीं, मत मारो। मार मार कर खत्म कर दो, इतनी हिम्मत इसकी, मारो इसे। इतने सालों तक आपके पास काम किया, एक हरी मिर्ची क्या थोड़ी आपके खेत से आप इतना मार रहे हो, ये कैसा इंसाफ है? मिर्ची नहीं रहे, जो भी मेरे खेत से एक मुट्ठी घास भी उखाड़ेगा मैं उसकी गर्दन काट दूंगा। ओए, मिर्ची का पाउडर लेकर आ। नहीं। अरे पापी हो, तुम सबको बड़ी सजा मिलेगी। इतना काफी है या और चाहिए तुझे? बहुत चर्बी है ना मालिक। जोर से दबा। अरे चल मालिक, इधर है। यही कॉलेज है क्या? क्या हुआ? क्या हुआ? वो अपना तीसरा साथी कहाँ गया? उसके पास चलते हैं। ठीक है, जाके ढूंढ के लाओ उसे। ढूंढ कर ये कभी नहीं सुधरेंगे। अगर गुस्सा किया तो सब बिगड़ जाएगा, तुम्हें मेरी कसम। डैडी, डैडी। अरे रे 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 रे, मेरी प्यारी गुड़िया, दुबली क्यों हो गई? खाना नहीं खाती क्या? अरे डैड, एग्जाम्स आ रहे हैं ना। ओ, क्या हुआ बेटा? मत पूछिए चाचा जी, नंदनी उस विश्वजीत की बेटी है। क्यों 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 क्यों? मैं सिर्फ 8 साल का था जब मेरा परिवार मुझसे छीना गया। भूल जाऊंगा मैं उसे, भूल जाऊंगा मैं उसे, भूल जाऊंगा चाचा जी। विश्वजीत हमारा दुश्मन है तो क्या उसकी बेटी नंदिनी नहीं है? बदले के लिए अपने प्यार की बलि नहीं चढ़ा सकते तुम चाचा जी। वो लड़की मासूम है जय। माँ से कुछ कहना है क्या? एक अच्छा पति बने रहे ऐसा ही कहना अपने पिता से। अभी आप उनके बारे में जानते नहीं हैं। वो जैसा कहे वैसा ही करना होगा, जैसा सोचे वैसा ही सोचना होगा। और अगर उन्होंने बुलाया और मैं नहीं गया तो मेरी गर्दन
खून से सनी मिलेगी। बेटा वहां जाकर अच्छे से रहना। ठीक है चाचा जी। सिंधु तुम भी मेरे साथ चलो ना। नहीं नहीं मैं नहीं आऊंगी, तुम्हारे पापा को देखकर मुझे डर लगता है। तू असेंबली में इंग्लिश में बात करेगा इसीलिए तुझे पढ़ाया और तू कहता है अमेरिका जाऊंगा। मुझे ये मारपीट खून देख के बहुत डर लगता है पापा। उस दिन कहीं का है। सुन ये मेरी ही पैदाइश है ना, क्यों रे कालिया, लड़की को देखने से पहले कहा जाता है कि उसके सारी पीढ़ियों के बारे में जान लेना चाहिए, लेकिन इसके खानदान में ना तो हथियार से कोई मरा है और ना ही आज तक कोई हथियार से मरा है। अच्छे ऐसे कायरो की खानदान वाली औरत है ये। किसी भी मर्द को तेरे जैसी औरत नहीं चाहिए, समझी? हाय डैडी। हे मेरी प्यारी गुड़िया, आजा 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 आजा। हाउ आर यू? अरे मुझे क्या होगा, मैं राजा के जैसा हूँ बेटा। और अब तो बस तुम ही हो जो मेरे खानदान को आगे बढ़ाओगी, मेरे सोने की चिड़िया। तुम्हारे लिए एक शेर के बच्चे के जैसा दामाद ढूंढ कर उसके साथ तेरी शादी करवा कर अपनी सारी जायदाद में उसे सौंप दूंगा। ठीक है बेटी, अब जा और जाकर आराम कर। जा। क्यों रे कालिया, मैं जैसा सोच रहा हूं वैसा शेर जैसा दामाद मिलेगा ना? जरूर मिलेगा मालिक। ये हुई ना बात। भैया अपने मालिक को शेर के जैसा ही मिल गया। कहां? अपने वीरप्पन के पास सेतुपति नाम का एक गंडा है। शेर बोले तो शेर, बिल्कुल शेर जैसा। सोते समय गोलियों से भरी हुई बंदूक अपने साथ लेकर सोता है। अपने मालिक के पास 2000 एकड़ खेत है, पता है ना? कौन सा बड़ा 2000 एकड़ खेत, 4000 किलोमीटर तक की जमीन सिर्फ उन्हीं के हाथों में है। तमिलनाडु के बॉर्डर से लेकर केरला बॉर्डर, कर्नाटक बॉर्डर, सबको मिला दिया जाए तो कई किलोमीटर तक के कंट्रोल उनके हाथ में है। अगर एक बार बोल दिया तो बोल दिया। मैं एक खींच के मारूंगा ना तो पेशाब कर देगा। भैया तुम तो बहुत मजाक करते हो, तुम्हें देखता हूँ तो डर नहीं लगता है। अरे तू यहां क्यों आई बेटी, वो भी इस वक्त? डैडी हाँ? आपसे अकेले में कुछ बात करनी है। अरे तो बोल ना बेटी, ये जो कालिया है ना ये अपने परिवार का ही है। मैं एक लड़के से प्यार करती हूँ। प्यार करती हो? बहुत प्यार करती हो? बचपन में मेरी चप्पल की आवाज सुनकर छुप जाने वाली लड़की 18 साल की उम्र में मेरे सामने खड़ी होकर अपने प्यार की बात कर रही है। बहुत हिम्मत है तेरी, ये हिम्मत मुझे बहुत पसंद आई। अगर वो मुझे पसंद आया तो कुल गोत्र कुछ भी नहीं देखूंगा, उससे तेरी शादी करवा दूंगा। और अगर पसंद नहीं आया? वो आपको जरूर पसंद आएगा। वो तो उससे मिलने के बाद ही मैं फैसला करूंगा। अब जा। रुक, तेरी माँ कहाँ है? माँ मेरे कमरे में है। ऐसा क्या, उसे मेरे कमरे में आने के लिए बोल दे। नंदिनी बोल रही हूँ, कहाँ है आप? hey, तुम्हारे साथ ही बैठा हूँ। मेरे साथ? और क्या, क्या बोल रहे हो, मेरे पापा तुम्हें देखना चाहते हैं। एक मिनट। चाचा जी। क्या हुआ जय? नंदिनी के पापा मुझसे मिलना चाहते हैं। 14 तारीख बोल दो। अरे रे, वो तो बहुत खतरनाक है। तुम्हारे पापा अपने पास बॉम्ब रखते हैं क्या, तुम तो जानती हो।
मुझे बॉम्ब से बहुत डर लगता है। मैं तो दिवाली में भी पटाखों से दूर रहता हूँ। बस करो जय, 14 तारीख तक मुझे इंतजार करना पड़ेगा। तुम परेशान क्यों हो रही हो? कहो तो मैं अभी आ जाता हूँ। अभी? ए नंदिनी, यहाँ वहाँ क्या देख रही हो? मैं आ गया, देखा ना, तुम्हारे सामने हूँ। नंदिनी, आई लव यू। नंदिनी, करो, चिल्लाओ मत। तुम कहो तो तुम्हें भी ले चलूं। क्या बहन जी, आप पानी भरने आई हो? अरे क्या बताऊं, कल मैंने अपनी बहू को कलसी धो के पानी भरने कहा था, उसने घिस घिस के कलसी ही गायब कर दी। क्यों माँ जी, अपने बहू के बारे में ऐसे क्यों बात कर रही हो? जब हम बहू बनकर आए थे तो हमारी सास भी हमारे बारे में ऐसे ही बात किया करती थी। क्या कहें, अब क्या जमाना आ गया है। ये भी सही बात है बहन जी। बेटी मुझे जरा पानी दे दो। माँ जी प्यास लगी है, थोड़ा पानी पिलाएंगी क्या? Hey, क्या है इस पानी में? ऐसा लग रहा है जैसे बदन में बिजली दौड़ गई हो। 16 सालों के बाद आज इस पानी को पी रहा हूं। इसे पी के लग रहा है जैसे मैंने अपनी माँ का दूध पी लिया। चलता हूं माँ जी, नमस्ते। तुम कौन हो बेटे? वीर प्रताप जी का इकलौता बेटा, जय। ये क्या कर रहे हैं आप लोग? मैं तो आपके बेटे जैसा हूँ। बेटा 16 साल से हम भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं, आज ऐसा लग रहा है जैसे भगवान खुद आ गए। बेटे तुम कितने दिनों के लिए रुकने वाले हो? आज से मैं यहीं रहने के लिए आया हूँ। ये लीजिए कॉफी। क्या ये कॉफी है? क्यों जी, अच्छी नहीं बनी क्या? ये तेरे चेहरे से भी खराब है। दूसरी बनाकर ला दूं क्या? तुझसे नहीं होता तो किसी और को रख लूं, एडजस्ट कर लेगी क्या? जा नहीं तो। माँ वो आ गया। डैडी आ गया वो। कोहिनूर हीरे के बारे में आज तक सिर्फ सुना था लेकिन उसे देखा नहीं था। शायद वो बिल्कुल तेरे जैसा ही होगा। मेरे सामने सर उठाकर एक लड़का खड़ा है, मतलब उसके शरीर में जरूर किसी वीर का खून है। पसंद आया तो मुझे बहुत पसंद आया। आज तक मैं अपनी बेटी को नाजुक समझता था मगर ये तो बहुत बहादुर है। इसने एक शेर को लाकर मेरे सामने खड़ा कर दिया। अब आज से तुम ही मेरे वारिस हो। सिर्फ मेरी बेटी की नहीं, मेरी सारी जमीन जायदाद और 50 सालों से जिस मान सम्मान का बोझ मेरे कंधों पर है वो सब कुछ मैं तुम्हें देने जा रहा हूं। कैसा लगा दामाद? हीरे जैसा, शेर की तरह। मालिक, चेहरा देखते ही पता चल गया आप जिसे ढूंढ रहे थे वो यही शेर है। दामाद जी, ये तुम्हारी सास है,
गले में मंगलसूत्र लटकाकर खाना बनाने वाली और परिवार चलाने वाली एक पनौती, और यह है तुम्हारा साला। यह किसी काम का नहीं है। इस घर में इसने क्यों जन्म लिया मुझे पता ही नहीं है। पता है इसीलिए, अपने घर के लिए तुम्हारे जैसा ही एक वीर को ढूंढ रहा था मैं। नंदिनी, तुम्हारे पापा से मुझे अकेले में बात करनी है। हाँ बोलो दामाद जी। आपने सुना नहीं, मैंने कहा अकेले में। मैं कौन हूं आप जानते हैं? जय जय वीर प्रताप। इस धरती पर पैदा होकर जनता की सेवा करने वाले भगवान श्री वीर प्रताप का वारिस। मैं कौन हूं जानने के बाद मुझे अपनी बेटी दोगे क्या? तुम नहीं दोगे, मैं अच्छी तरह से जानता हूं। तुम दो चाहे ना दो, फिर भी वो मेरी है। ओय! 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 चिल्ला मत, मुझे मेरे पिताजी की कसम, तुझे मसल के रख दूंगा मैं। विजयदशमी तक का टाइम देता हूं। तूने मेरे पिताजी से उनकी जो भी संपत्ति छीनी है मुझे वापस कर दे, नहीं तो तुझे भी नहीं पता कि क्या होगा। मैं 8 साल की उम्र से ही बॉम्ब फोड़ रहा हूं, यह कोई नई बात नहीं मेरे लिए। नहीं नहीं नहीं, दांत मत पीसना, नहीं तो तेरे दांत को तेरे पेट में डाल दूंगा। विजयदशमी, तू इसे भूलना मत। अरे एक कालिया मालिक, दिखा इसे। देखा बच्चे, इस विश्वजीत की ताकत, उससे टक्कर मत ले, खत्म कर दूंगा। तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, मेरी बात मान ले। इसके बावजूद तू यहां रहना चाहता है तो मैं तुझे 10 एकड़ जमीन और एक घर भीख में दे दूंगा। मुझसे भीख लेकर तुझे एक नौकर के जैसा मेरे सामने सर झुकाकर खड़ा रहना पड़ेगा। उसके बाद? अब उसके बाद भी हाँ, तूने अपनी ताकत दिखा दी, अब जरा मेरी ताकत को देख। शॉक लगा ना, लेकिन धमाका तो बाकी है अभी। चाचा जी, क्या कह रहा था? मैं सर झुकाकर तेरे सामने खड़ा रहूं? पूरे गांव में सर उठा के जीने वाले खानदान में पैदा हुआ हूं मैं। अगर हमारा सर किसी के सामने झुकता है तो वो सिर्फ भगवान के सामने। कुत्ते के डर से शेर नहीं भागा करते, जानता है ना? जिस तरह से
तूने मेरे पापा को, मेरी माँ को तड़पा तड़पा के मारा है ना, उसी तरह से मैं भी तुझे मार दूंगा। दुनिया को उजाला देने वाला सूर्य सिर्फ 12 घंटे ही रहता है, लेकिन मैं तेरे लिए इस मिट्टी में 24 घंटे रहूंगा, यही इसी जगह पे। मुझे रोक सकता है तो रोक ले, लेकिन तू मेरा बाल भी बाका नहीं कर सकता। फू है दम तो रोक मुझे। ये दीवार पर हल्दी क्यों लगा रही हो? देखो बेटा, इसमें जो लकीरें हैं ना, इसमें हल्दी लगाकर माता पिता अगर भगवान को सौंप दे तो बच्चों की उम्र बढ़ती है। मुझे क्यों ऐसे पाला? मेरी आंखों में आंसू नहीं आएंगे क्या? ये सब देखने के बाद भी मुझे रोना क्यों नहीं? जय, तुम रोने वाले खानदान से नहीं, आंसू पोंछने वाले खानदान से हो। आज के बाद तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं आने चाहिए। छोटे मालिक, गांव के लोग आए हैं। जनता है, तुमसे मिलने आई है। जैसे बड़े मालिक थे वैसे आप भी हैं मालिक। मेरे पापा को आप लोग जानते हैं क्या? हमारे गांव में शायद ही कोई ऐसा है जो उन्हें नहीं जानता हो, क्योंकि आपके पिताजी बहुत वीर पुरुष थे। गिल्ली डंडा खेलते खेलते शेर को मार दे, ऐसे वीर थे वो। बड़े मालिक को जब उसने मारा तो हम कुछ कर नहीं पाए मालिक। अपने खेत तुम सबको बांटना चाहते थे मालिक, उनकी इच्छा पूरी करने के लिए तुम्हारे छोटे मालिक आए हैं। आपके साथ हम लोग हैं छोटे मालिक, आपके लिए हम लोग अपना खून भी बहा सकते हैं। आज के बाद खून उन लोगों का बहेगा, आप लोगों का नहीं। आप लोगों का सिर्फ पसीना बहेगा। हाँ,
ये लीजिए। ए, सोडा में इतना नमक कैसे बे? जाकर शक्कर डाल कर ला। सोडा में शक्कर मिलानी है? हाँ जा बे। वो लोग कितने टीप टॉप सफेद कपड़े में आ रहे हैं, जीतने वाली टीम लग रही है। और यहाँ देखो गोबर उठाने वाले जैसे कपड़े पहने हैं। अबे मुंह उठा के क्या देख रहा है? कितने दिनों के बाद इस मंदिर में आया हूँ, यहाँ कुछ भी नहीं बदला चाचा जी। पंडित जी, एक नाम से पूजा और करनी है। नाम है नंदिनी। नंदिनी नाम्या वृश्चिक राशि अनुराधा नक्षत्र विष्णु गोत्र वो सोच रही होगी कि मैंने उसे छोड़ दिया। इसमें भी नीचा दिखा रहे हैं यार। बेटा नंदिनी ने दो दिनों से कुछ भी नहीं खाया पिया, कुछ भी कहती हूं तो वो नहीं सुनती। नंदिनी नंदू नंदिनी नंदिनी ऊपर है। नंदिनी इतना खाती है क्या? ओ, कोई बात नहीं। ओके नंदू नंदू क्या हुआ, खाना क्यों नहीं खा रही? क्या कह रहे थे तुम? डैड बॉम्ब है और तुम्हें डर लगता है? वो फटा हुआ बॉम्ब, उसे देख के कौन डरेगा? तुम क्या? तुम्हारे पिता को मेरे पिता ने मारा, ये पहले क्यों नहीं बताया? ऐसा क्या? कोई भी मर्द अपनी बीवी को सारी बातें नहीं बताते हैं, ये उनकी शान के खिलाफ होता है। तुम्हारे पापा और मेरे बीच की लड़ाई अलग है और हमारा प्यार अलग है। खैर वो सब छोड़ो, तुम्हारी माँ कितनी सीधी है और तुम्हारे पापा की शक्ल गैंडे जैसी है, इन दोनों की शादी कैसे हुई यार? थक गया। ए कालिया मालिक, हम जिसे दामाद के लिए देख कर आए वो कैसा है? आपने जैसा सोचा था वैसा ही शेर है मालिक। है ना, लंबा चौड़ा हट्टा कट्टा एकदम, अरे रे 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 रे। बहुत बहादुर है। मालिक वो आपको देखे या मुझे देखे एक ही बात है। तुमने उसे अपनी आंखों से नहीं देखा है ना, लेकिन मैंने अपनी आंखों से देखा है। चल ए, 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 वो सब छोड़। उसकी बड़ी बड़ी आंखें हमारे परिवार के लिए बहुत शुभ है। दामाद जी की लंबाई कितनी होगी? 6 फीट से भी ज्यादा। तू यहाँ? अरे बैठिए ना, इतनी इज्जत देने की जरूरत नहीं है अभी से। तू तू तू? हाँ मैं ही हूँ। परदेसी बनकर तो तू यहाँ आया था, मेरे खानदान वालों ने तुझे बैलों के तबेले में रख के पाला था, तुझे पालने वाले खानदान का वारिस जय हूँ मैं।
ससुर जी, अपनी बेटी की शादी कराने वाला कोई भी बाप दामाद कितना लंबा है, किस कलर का है, ये सब नहीं देखता। बल्कि देखता है वो कितना हिम्मती है। ससुर जी, नंदनी से मैं शादी करने वाला हूँ। अगर हमारी शादी के बीच में कोई भी आया तो मैं उसकी गर्दन को काट दूंगा। ऐ, मेरे हाथ में जो चाकू और बॉम्ब है उससे काम पर मत लगा। ऐ, चिल्ला मत, चिल्ला मत। मैंने तुझे उस दिन समझाया था ना। ऐ, 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 क्या कहा तेरे हाथ में जो चाकू और बॉम्ब है? हाँ, मैं खुद ही एक बॉम्ब मुंह फटूंगा तो बर्बाद हो जाएगा। ऐ, मेरा दिमाग खराब मत कर। ए, तेरे पास चाकू और बॉम्ब है ना, तो मेरे पास हिम्मत और बहादुरी है। ए, मैं मौत से नहीं डरता हूं। इन आंखों में मौत का डर दिखता है तुझे? उस दिन जो बॉम्ब मैंने घर के बाहर रखा था, अगर वो घर में होता तो आज तेरा क्या होता, कभी सोचा है? याद रखना, विजयदशमी तक का टाइम दिया है तुझे, तब तक की जिंदगी बची है तेरे पास। जिस तरह से जीना है जी ले। मालिक, क्या है ये? वो शेर की तरह दहाड़ के जा रहा है और आप चुप है? पापा, मुझे अमेरिका के लिए वीजा मिल गया है, मैं चला जाऊं। क्या कहा, वीजा? यहां तो तू कुछ कर नहीं पाया, वहां जाकर क्या कर लेगा? अरे ये कायर, इसके जैसा अगर मेरा एक बेटा पैदा हुआ होता ना, तो मैं इस पूरे राज्य को हिला कर रख देता। शेर के घर में शेर पैदा होगा, सियार के घर में थोड़ी ना। उसके बदन में जो दौड़ रहा है वो खून नहीं है, ज्वालामुखी है। हमें उसे बुझाना होगा। अरे अरे, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। वो साधारण आदमी नहीं है। वो पहली बार जब घर में आया तो मालिक ने उसकी गाड़ी उड़ा दी, लेकिन लेकिन उसने तो सीधा सीधा एक साथ 9 गाड़ियां उड़ा दी। उसी दिन मैं समझ गया कि उसके पास अपनी दाल नहीं गलने वाली। जब से उसको देखा है तो मालिक की हवा निकल गई है, वो बहुत घबराए हुए हैं। चलो हम यहाँ से निकलते हैं। कहीं नहीं जाएगा। शेर की गुफा में जा रहा हूँ, पता नहीं जिंदा लौटूंगा कि नहीं। अरे बेवकूफो, चलो अंदर। क्या हुआ भैया? मरा हुआ वीर प्रताप ऐसा लग रहा है जिंदा होकर के आ गया। इतने बड़े घर में उसे मैं कैसे ढूंढूं? बचना नहीं चाहिए। जेल में 16 साल से जेल में थे हम। आंखों के सामने मेरे मालिक को मारा था ना। भाई रुक जाओ, एक छोटा सा काम है भाई, पूरा करके तुम्हारे हाथों से ही मर जाऊंगा। मैं तुम्हारे मूंछों की कसम खा कर कहता हूँ। कोई भी यहाँ से बच के नहीं जाएगा। रुको रुको रुको, एक मिनट रुको, मेरा थोड़ा सा काम बाकी, मैं उसे पूरा कर दूं। अंधेरे में पैदा हुआ बेवकूफ इंसान,
मैंने तुझसे कहा था कि घर के अंदर मत जा। देख मेरे चेहरे की हालत देख, वो लोग एक एक करके मार रहे हैं। क्यों बे, शेर बनता है शेर, नालायक कहीं का। ए, शेर को तूने कभी देखा है क्या? वो देख वहां बैठा है मालिक। मालिक मालिक, मैं इन बेवकूफों की वजह से यहाँ पर आ गया। बड़े भैया आप जरा कहो ना, मैं सच कह रहा हूँ, मैं अपने सीने की सीना यहाँ होता है बे। ये कब बदल गया पता ही नहीं चला। मालिक मालिक मालिक, जब से मैंने आपको देखा है मेरा क्या क्या बदल गया मुझे पता ही नहीं चला। मैंने भगवान को नहीं देखा लेकिन मैंने आपको देखा। आप तो मेरे लिए भगवान है, भगवान है आप मेरे लिए। एक्टिंग मत कर, अपना मुंह बंद रख। चाचा जी बोलो जे, इन लोगों को पार्सल करा दीजिए। पार्सल क्या? हाँ चढ़ाओ ऊपर। ए उठाओ उठाओ ना, ये ले आराम से। ए बैठ चल उठा। अरे बाप रे, हे भगवान, यहाँ पर क्या हो रहा है? ऊपर दिमाग में क्या चल रहा है समझ में नहीं आ रहा, और नीचे क्या हो रहा है वो भी समझ में नहीं आ रहा। तुम सबको यहाँ से असम पार्सल किया जा रहा है। असम में पार्सल? लेकिन ए, जल्दी करो। यहाँ पर दारू और मटन के मजे लिए है ना, वहाँ जाने के बाद कड़ी धूप में तेरा थोबड़ा सूखी रोटी जैसा हो जाएगा। यहाँ भी तो मार खा के सूखी रोटी ही बन गया हूँ, इसके बाद भी वहाँ भेजने की क्या जरूरत है? मालिक मेरी वजह से आप एक बोरी बर्बाद मत करो। मालिक उठा के डालो इसे। गड़म बगड़म खा खा के धाम धूम करते चले आ रहे हैं। एक कंडक्टर बस में बोर्ड लगाओ कि कोई भी एयर पोल्यूशन न फैलाए। कहता हूँ भैया, हमें आना तो फ्लाइट से ही चाहिए था, लेकिन यहाँ पे एयरपोर्ट नहीं है ना। एयरपोर्ट है, फ्लाइट नहीं है। शादी का कार्ड साथ में लाए हो ना, तुम्हारे पास उसका एड्रेस है ना? कुछ पता नहीं, सच कह रहा हूँ मुझे कुछ पता नहीं है। रिकॉर्ड की तरह बजे जा रहा है, तेरे साथ जो लोग गए थे बोलो कहाँ है? मैं पिया नहीं था, सब भूल गया। सुबह होगी तो सब आसाम में होंगे। आसाम में क्यों? वो क्या है, जब वो कल मार रहा था तो आसाम का नाम ले रहा था। देख जो है साफ साफ बताओ, वरना वो गरम पानी उठा के तेरे सर पे डाल दूंगा। क्यों यार मेरे सेक्रेटरी? हाँ तो मालिक मेरे लिए कुछ करो। देखते जाओ क्या करता हूँ। हाय पंचर पांडे, यहाँ जय कहाँ रहता है? कौन जय? वीर प्रताप का इकलौता बेटा जय। वीर प्रताप, हम लोग प्यार से जय कहते हैं। अरे रे, ये क्या है यार? नाम सुनते ही मुझे लीकेज प्रॉब्लम हो जाती है। ये कौन सी फिल्म दिखा रहा है? फिल्म दिखाता तो फिर भी चलता, ये तो बायोस्कोप दिखा रहा है यार। ए खड़े मत हो, बैठ जा, बैठने से ज्यादा अच्छा दिखाई देता है। लेकिन ये समझ में नहीं आ रहा है कि देखना क्या है। नालायक कहीं का, हाथ क्यों जोड़ रहा है? अबे किस किस को देखकर हाथ जोड़ना ये पहले बता दे। ए, बच्चे डर रहे, पैर हटा बे। हटा जल्दी हटा। हम लोग भी ना सोचे समझे इस गांव में आके जिंदा वापस जाएंगे कि नहीं जाएंगे। तू क्यों बड़बड़ा रहा है? चल। अरे भाई रुको रुको, क्या कर रहे हो? मुझे ही मारे जा रहे हो, इसको क्यों नहीं मारते? जय का नाम लेके गांव में आए हैं, चल तू क्या? अरे भाई भाई डैडी, वो मेरे कॉलेज के फ्रेंड्स हैं, उन्हें छोड़ दीजिए। नंदिनी, तेरे फ्रेंड सिर्फ लड़के ही हैं क्या, लड़कियां नहीं है? हाँ? छोड़ दो उन्हें। ये क्या, तुम लोग यहाँ कैसे? ये तुम्हारा ही घर है, हमें तो लगा कि किडनी चोर हमारी किडनी निकालने के लिए लेकर जा रहे हैं। अरे नहीं नहीं, ये हमारा ही घर है, अंदर आओ ना। नहीं माते, अंदर नहीं आना है, हमें जिंदा रहना है। दे दे। नंदिनी मेरी शादी हो रही है, ये इन्विटेशन रख लो, लेकिन शादी में मत आना। भाई मैं तुम्हारी शादी में आऊं क्या? तुम जिसकी शादी में जाओगे उसकी शादी नहीं हो पाएगी भाई। ए, अंदर जा, यहाँ कहानी क्या सुननी है, अंदर जा। जा नहीं तो एक दूंगा। अब बोल। कल अपने जो लोग गए थे उनमें से कोई नहीं लौटा, इससे पूछने पे ये बार बार आसाम 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 किए जा रहा है। उसका नाम सुनते ही पेशाब कर देता है, जो लोग उसके साथ गए उसे कुछ तो हुआ ही होगा। अब हमें कोई ना कोई रास्ता तो निकालना ही होगा, उस जय को ऐसे नहीं छोड़ सकते, उसे सबक सिखाना बहुत जरूरी है। सबक नहीं रहे, उसे खत्म करना होगा।
नीचे। आप लोगों में से जय कौन है? आपकी तारीफ। सोमराज। जय मैं हूं। विश्वजीत के लोग दिखाई नहीं दे रहे हैं। उन्होंने तुम्हारे खिलाफ कंप्लेन किया। कमिश्नर ने तुम्हें लेकर आने को कहा है। विश्वजीत के लोग नहीं दिख रहे मतलब? चलिए। इस गांव में पता नहीं क्या क्या हो रहा है यार। जब से आए तब से टेंशन ही टेंशन है। मामा, उसे अकेले क्यों जाने दिया मामा? मुझे तो बहुत डर लग रहा है मामा। उसके लिए मत डरो, वो पुलिस वाला उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। की तेरी हिम्मत कैसे हुई? मुझे पकड़ेगा? हाँ, पकड़ना, पकड़ेगा, पकड़, ले चलना। ने मैंने बोला ना, अब तुझे नहीं पकडूंगा। मैं ड्यूटी पर हूँ, तूने पुलिस ऑफिसर पर हाथ उठाया है। क्या कहा? मैं ड्यूटी पर हूँ, पुलिस ऑफिसर। ओ, पुलिस? क्या कहा? पुलिस वाला है तू? तूने अपना नाम सोमराज बताया ना? यहाँ तो गणेश लिखा है। मुझे पागल समझ रखा है। मेरे एरिया में आएगा तो टुकड़े करके कुत्तों को खिला दूंगा। शायद तेरा बाप तुझे बताना भूल गया, शेर के मुंह में हाथ नहीं डालते। चल भाग जा, जा यहां से। क्यों निकालिया? आज तक तूने कभी ठीक से शिकार किया है क्या? बंदूक रख और जा। फोन बज रहा, उठाइए। हाँ हाँ, पता है। ए, फोन उठा। क्यों सोमराज, उस लड़के को खत्म कर दिया ना? अगर जिंदा है तो मेरे पास लेकर आ, हम मिर्च पाउडर से उसकी मसाज करेंगे। अरे ससुर जी। हाँ,
बहुत कर। अरे क्या ससुर जी, कैसे पटाखे भेजे थे आपने? ससुर जी आपके सारे पटाखे तो फुस निकल गए। मैंने तो सोचा था आप बड़ी पहुंची हुई चीज हो। ची 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 ची। आप तो बड़े चीप हो ससुर जी। ओए, तेरे पास विजयदशमी तक का टाइम है। इस तरह की गलतियां करके अपना टाइम वेस्ट मत कर। हाँ छोड़। क्या हुआ मालिक सोमराज को? तूने ही कहा था ना कि वो बड़ा गुंडा है, अब वो हाथ में कैसे आएगा? असामी होगा। क्या कहा बे? क्या बकवास कर रहा है? असामी होगा। उस दिन से एक ही बात रटे जा रहा है, क्या पागल हो गया है क्या? सभी को जाना पड़ेगा असम। असम? हाँ असम जाना पड़ेगा, मैं सही कह रहा हूँ। मालिक इसे ऐसे छोड़ देंगे तो अच्छा नहीं होगा, इसके टुकड़े टुकड़े करके फेंक देते हैं। क्यों? तू उसे काट कर नहीं फेंक सकता? जानता है ना ये मेरा आदमी है, पैसों के लिए काम कर रहा है, उसके पास जो लोग हैं वो उसके लिए काम करते हैं। जितना आसान तू समझ रहा है ना उतना आसान नहीं उसे खत्म करना, लेकिन कब और कैसे उसका खेल खत्म करना है ये मैं अच्छी तरह जानता हूँ। इस समय यहाँ क्या करने आई हो? मुझे जैसे मिलना है। अंदर जाओ बेटी। थैंक यू। ए, रुको भाई, जाने दे उसे। ए, फिर से तुम लोग तलवार लेके रखो। इसलिए? ए, वो लड़की यहाँ आई है तो पक्का वो लोग भी यहाँ आ सकते हैं। हे, नंदनी, तुम इस वक्त यहाँ कैसे? आज माँ पापा की बहुत याद आ रही है। एक बिना माँ बाप का बेटा एक बिना जड़ के पेड़ जैसा होता है। जब तक मैं यहां नहीं आया था मुझे अपने माँ बाप की याद नहीं आती थी, न जाने क्यों अब मुझे बहुत याद आ रही है। तुम लोगों ने खाना खा लिया? हाँ मालिक। चलो चलो मालिक। ये सब किस लिए है? नंदनी अंदर गई है। वो इतनी रात को यहाँ क्यों आई? अरे बाप रे, ये क्या है? मेरी माँ ने आपके लिए बहुत ही प्यार से भेजा है। प्यार से भेजा है? इसमें तो काजू बादाम पिस्ता है। अगर मैं इसे खा लूंगा तो मैं रात को सो नहीं पाऊंगा, तुम्हें भी साथ रुकना पड़ेगा। तुम्हारे पिताजी कम बॉम्ब फोड़ रहे थे क्या जो तुम्हारी माँ ने ये बॉम्ब भेज दिया? कहीं तुम कोई प्लान करके तो नहीं आए ना? मुझे इस तरह से मत देखो तुम। हाँ थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन करो, नजदीकियां मुझे पसंद नहीं है। ये पिस्ते बादाम से बना लड्डू अगर मैंने खा लिया तो फिर मुझसे बर्दाश्त बिल्कुल भी नहीं हो पाएगा। आखिर कब तक मुझे इस तरह से देखती रहोगी? चुम्मा दे दूं? तो दे दो ना। नंदनी, अंदर तुम कुछ मांग रही थी ना? सच में ये बहुत ही हिम्मत वाला है। मालिक छोड़। मालिक क्या कर रहे हैं? ऐसी लड़की पैदा हुई मुझे। उसने मुझे मारने के लिए दिन तय किया है और तू उसके साथ कौन मना रही है? छोड़ूंगा नहीं तुझे, काट डालूंगा। ए, मुझे ऐसी बदतमीज लड़की नहीं चाहिए, काट कर फेंक दूंगा तुझे। हाँ मार दीजिए, फिर भी उससे ही प्यार करूंगी। बहुत हो गया,
हिसाब से ज्यादा हो गया। जब भी मैं कहता हूँ आप नहीं नहीं करके बीच में आ जाते हैं। hey, उससे लुढ़काना है ना तो पहले उसकी कमजोरी देख फिर वार कर। पता है उस छोटे लड़के की ताकत? उसका वो चाचा है। hey, कालिया अब बस तू एक काम कर, किसी भी तरह उसके चाचा को पहाड़ी पर बुला और उसकी कहानी खत्म कर दे। जय जय मेरे बच्चे को अच्छे से संभालोगे?
उसका ख्याल रखोगे? मुझे वो चाहते रात के 10 बज रहे हैं, भूख लगी हुई है, कहां रह गए वो? चाचा जी, चाचा जी, चाचा जी तो शहर गए हैं। शहर गए हैं किस लिए? वो तो हमें नहीं बताया, अकेले ही चले गए। चाचा को क्या हुआ है? अगर वो जिंदा है तो मुझे उनके पास लेके चलो, और अगर वो नहीं है तो मुझे उनकी लाश देखनी है। चाचा जी, आपने शादी क्यों नहीं की? शादी कर लेता तो तुम्हारा ख्याल कौन रखता? शादी के बाद तुमसे ऐसे प्यार कर पाता क्या? मालिक, चाचा जी, चाचा जी, चाचा जी, मालिक, उठिए, चाचा जी, छोड़ो मुझे, चाचा जी, छोड़ दो मुझे, चाचा इन्होंने मुझे कहीं पिता की कमी कभी खलने नहीं दी, माँ का प्यार दिया मुझे। चाचा जी, नहीं, मैं नहीं रोऊंगा। इन्होंने मुझे रोने से रोका है, नहीं, नहीं। अब विश्वजीत रोएगा, उसने मुझसे मेरा सब कुछ छीना। मेरे चाचा जी के बगल उसकी भी कब्र खोदो। तुम्हारे पिताजी शादी की तैयारी कर रहे हैं, पता है। वो चाहते हैं उनके पसंद के लड़के से शादी हो, पता है। सब कुछ पता होने के बाद भी तुम शांत हो? पति कैसा होना चाहिए ये किसी शास्त्र में नहीं लिखा है। ऐसा लिखने वाले अगर उस जमाने में होते तो जैसा लड़का होना चाहिए वैसा ही होता। मैंने जिससे शादी की है वो इंसान नहीं है, जानवर है। उसी के साथ मैं अपना जीवन बिता रही हूं। ये जिंदगी नहीं, वैश्यालय है। शरीर को नोच नोच कर घायल कर देता है और मैं सारी रात तड़पती रहती हूं। सारी औरतें अपने पति को सीने से लगाए रखती हैं, लेकिन मेरा पति कांटों की तरह
चुभता रहता है। तेरी जिंदगी मेरे जैसी नहीं होनी चाहिए। तुम एक अच्छी जिंदगी जियो, ये तुम्हारे हाथ में है, उसे बर्बाद मत करना। तुम हमें भूल जाओ और उसके साथ भाग जाओ। पागल औरत, चल उठ। क्या बोल रही थी तू? इतने सालों से तू मेरे साथ है, ये जिंदगी नहीं है क्या? शाले है, पति की बेइज्जती करवा कर इसे भागने के लिए बोल रही है तेरी तो? डैडी, डैडी छोड़ दीजिए, डैडी डैडी छोड़ दीजिए। उठ, क्या बोल रही थी मेरे बारे में? मैं तेरे लिए जानवर हूँ ना, तो अब तू देखेगी कि ये जानवर तेरे साथ क्या करेगा। तेरे कपड़े उतार कर मैं तुझे नंगा करने वाला हूँ। मालिक, ऐ मुंह बंद कर अपना और यहीं रुक। अगर यहाँ से हिला तो मार दूंगा। यहीं रुक कर सब देख। मालिक, ऐसे मत नहीं जिए, ऐसा मत कीजिए, ऐसा मत। कहाँ जा रही है तू? मार डालूंगा। कान खोल कर सुन ले, विजयदशमी के दिन मेरी बेटी की शादी होगी और दूसरे दिन तेरी मौत होगी। चल यहाँ से। अरे तालिया, कहाँ है वो? सुबह से वो नहीं दिखा है मालिक। ए, समधी जी को फोन करके बता दे, विजयदशमी के दिन शादी होगी। मालिक, विजयदशमी के दिन? आई, एक पित्ती भर का बच्चा मुझे समय देता है, अब अगर उसी दिन मैं उसे मौत दूंगा तो कितना मजा आएगा। चल जा, जाकर सारे हथियारों को इकट्ठा कर। ए कालिया, तू मुझे अकेला छोड़कर कहाँ चला गया है? मैं इस वक्त तुम आ रहे हो, आखिर ये सब कौन संभालेगा? वो माँ ने कहा है और मैं भी कह रहा हूँ, प्लीज तुम यहाँ से चली जाओ। मैं क्यों जाऊँ? फिर मेरा प्यार किसी से डरता नहीं, वो जरूर आएगा। जब भी किसी काम के लिए घर से निकलो तो अपने दादाजी का आशीर्वाद जरूर लेना, हमेशा कामयाब रहोगे।
दूल्हे के साथ पंडित जी भी आसाम जाएंगे। नंदिनी, आखिरी बार तुमसे बोल रही हूँ, तू यहाँ से भाग जा बेटा। कब से पूछ रहा हूँ और तू पत्थर के जैसा खड़ा है? कहाँ है वो कालिया? दिखाई नहीं दे रहा है, कहाँ जाकर मर गया? मालिक उधर देखिए। ऐसे क्यों खड़ा रहे? चल यहां। इसे पार करके आगे आएगा तो अच्छा नहीं होगा। हमारे बीच जो भी समस्याएं हैं उस पर एक बार शादी हो जाए फिर बात करेंगे। शौक से करिए। बहुत ही डिफरेंट लग रहे हो, लेकिन मैं समझ क्यों नहीं पा रहा हूं। पंडित जी, मंगलसूत्र दीजिए। जाइए भैया, पहनाइए उसे। तेरी तो मालिक, जाओ उसे मार डालो, नहीं तो तुम सब मर जाओ। दोनों काम नहीं होंगे मालिक। आपके लिए मैं क्यों अपनी जान दूं? हाँ, मैं एक अच्छे इंसान के लिए अपनी जान दे सकता हूँ। क्यों मैं घूरता क्यों है? 20 साल से तुझे खाना खिलाने वाली वो मेरी माँ है। उस माँ की तुमने साड़ी उतार कर उनकी बेइज्जती नहीं की, उसी दिन मुझे पता चल गया कि तेरी मौत भी ना बहुत ही करीब है। शाबाश बेटा, तू बहुत बड़ा मर्द बनता है ना। इतने दिनों से हमारे गांव के लोगों को पाप के जाल में फंसा कर रखा पापी। इन सब की तो आंखें है नहीं, हम मन्नत मांगते थे कि इनकी आंखें खुले। कहाँ जा रही है तू? अगर इतना ही प्यार उमड़ रहा है तो जा, उसकी लाश के ऊपर जाकर रो। जा। जय, 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 जय। मालिक। हे भगवान। मार दो, मुझे भी गोली मार दो। उठिए मालिक, उठिए। अब होता होगा, उठिए। सवाल। ये मारपीट मुझे पसंद नहीं है, चलो निकलते हैं यहाँ से। चला जा, मैं भी इसी मिट्टी में पैदा हुआ हूँ। तेरे खानदान के खून और मेरे खानदान के खून में कोई फर्क नहीं है। अब आज यहाँ या तो तू रहेगा या मैं रहूंगा। चला जा। बॉश, उसी दिन का इंतजार तो मुझे भी था। वीर प्रताप जी का वारिस हूँ मैं, तेरी मौत मेरे ही हाथों होगी। आज विजयदशमी है, आज तेरा टाइम पूरा हुआ। ये टाइम मैंने तुझे दिया था, यही मेरे पिताजी की ख्वाहिश भी थी। चल आ जा, आ जा। तू इस तरह की सोच रखता है, तेरी हिम्मत मुझे पसंद आई, लेकिन ये बात मेरे और उसके बीच की है।
तू बीच में मत आ, चले जाओ। जय तू जीत गया, जय तू जीत गया। किसी को मरने के बाद दफनाते हैं, लेकिन तुझे तो जिंदा दफना देना चाहिए। तूने अपनी खुशी के लिए सबको रुलाया है, लेकिन देख तेरी मौत पे रोने वाला कोई भी नहीं। पति खाना देगा, खुश रखेगा, ये सोचकर एक औरत अपने आप को सौंप देती है। हमारी इज्जत बचाएगा, हमारा सम्मान करेगा, इसलिए वो खुद को सौंपती है। लेकिन तूने उस उम्मीद को तोड़ दिया। एक औरत को मंगलसूत्र तोड़ते हुए किसी ने नहीं देखा, मगर आज तू देखेगा। हाँ।
उसे आपके कदमों के पास दफनाया। मेरे पिताजी जैसा चाहते थे, मैं उसी तरह से सबके खेत बांट दूंगा। आज के बाद इस गांव में कोई गुलाम नहीं और ना ही कोई जुल्म होगा। सब यहां खुश रहेंगे, मैं आपकी कसम खा के कहता हूं। लेकिन आज मैं अनाथ हो गया चाचा जी, अनाथ हो गया। जय, तू अनाथ नहीं है। तेरे साथ हमेशा नंदिनी रहेगी और ये गांव वाले भी रहेंगे। जय, अब शादी करने के बाद हॉस्पिटल जाएं या हॉस्पिटल जाने के बाद शादी करें?